मैराथन रेस जो है वो पाकिस्तानियों के लिए नई ज़रूर है, लेकिन इस सेहतमंद सरगर्मी में बड़ी तादाद जो है वो दिलचस्पी ले रही है। और ना सिर्फ मुल्की सतह पर मैराथन मुकाबले मैराथन्स हो रहे हैं, बल्कि कई पाकिस्तानी जो हैं वो इंटरनेशनल मैराथन में भी अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। और पाकिस्तान के 3 ऐसे रनर्स हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे हम बात भी करना चाहेंगे बिकॉज दे आर गोइंग इंटरनेशनल। हमारे साथ हैं फैसल शफी, साथ ही हैं कौकब समन और सर्वर और अदनान गांधी, who has been on our show before as well. Thank you so much all of you for coming here. अच्छा जी, ये जा रहे हैं फ्लड रिलीफ की अवेयरनेस भी ये करेंगे। वन ऑफ देम इज गोइंग टू बर्लिन एंड न्यूयॉर्क मैराथन्स, और अदनान और जाएंगे लंदन। सो अदनान से हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है मतलब पिछली दफा भी आए थे और इनका अब बड़ा एक्सपीरियंस है इस फिटनेस इंडस्ट्री, या फिर कह लीजिए कि पाकिस्तान में ये कल्चर मुतारिफ करवाने में, ही इज़ वन ऑफ द पाइनियर्स एज वेल। अदनान बताइए, बड़े अरसे से आप लोग कोशिश कर रहे हैं और लिटरली जैसे कहते हैं ना, एक के बाद दूसरा ऐड होता रहता है और फिर कारवां आपका भी बनता गया, और अब माशाल्लाह इतना इस्टेब्लिश हो गया है ये काम कि आप लोग तो इंटरनेशनल जा ही रहे हैं, बल्कि दिसंबर में कराची में भी फर्स्ट इंटरनेशनली रिकग्नाइज मैराथन हो रही है। जी सर, मैं आपको बताऊँ, 2015-16 में हम लोग 3-4 लड़के होते थे, दुबई के लिए मैराथन के ट्रेनिंग कर रहे हैं, इजी फ्लाइट वहाँ किया, पूरी विंटर ट्रेनिंग की। फिर कोविड में क्या हुआ, कोविड में क्या हो गया, हर कोई बंदा बाहर भाग रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, एकदम एक अवेयरनेस बढ़ गई। अभी माशाल्लाह ये इन दोनों के साथ हमारी ग्रुप आई थिंक 60-70 लोग होंगे, उनमें से 15-20 औरतें हैं, एंड यू नो अपार्ट फ्रॉम अस 3 इस साल 17 लोग सिर्फ हमारी ग्रुप में जाएंगे, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, शिकागो, बर्लिन, मैराथन्स ऑल ओवर द प्लेस। जो मैं जो अभी जो काम कर रहा हूँ, जो अवेयरनेस हम लोग रेज कर रहे हैं सिटीजन फाउंडेशन के साथ, इनके पास माशाल्लाह 14,000 औरतें हैं जो काम करती हैं, दे हैव ओवर 1700 स्कूल्स, लेकिन द फ्लड रिलीफ एफर्ट्स आर समथिंग दैट्स लोकल टू ऑल ऑफ अस। तो उसके लिए हम लोग जो जा रहे हैं लंदन, एक अवेयरनेस रेज करने के लिए कि ये भी एक चीज़ होती है, इससे भी हम लोग फंड रेजिंग कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो दिसंबर में मैराथन हो रही है और TCF की भी जो जनवरी में मैराथन हो रही है, उसमें है कि एज अ कंट्री वी कैन कम टुगेदर एंड रेज अवेयरनेस, रेज फंड्स, हेल्प द पीपल जिनके खाना नहीं मिल रहा, जिनके घर खराब हो गए हैं। अभी तो पाकिस्तान में ही लोगों को इदराक नहीं है कि कितनी बड़ी तबाही है, और आप और सर्टनली इंटरनेशनली हमें जितनी मदद चाहिए दुनिया को भी बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, कॉज भी बहुत जबरदस्त है और काम भी ऐसा है विच नाउ यू कैन करेक्ट अस इफ यू आर रॉन्ग, लेकिन अगर दूर से देखा जाए और जिसने जो सिर्फ TV पे ही मैराथन देखते हो उनको ऑलमोस्ट ग्लैमरस भी लगे, जो कि अब आपसे बात करके पता चल रहा है इट इज़ हार्ड वर्क। कौकब, तैयारी क्या होती है, मतलब इफ यू आर गोइंग टू एन इंटरनेशनल मैराथन, हमें तो दूर से नजर आ रही थी दुनिया फिरी जा रही है, भाग रहे हैं लोग, कॉज भी बड़ा जबरदस्त है, तो बैकग्राउंड बताएं कितनी देर की तैयारी। इतना आसान नहीं होता जितना लग रहा होता है, वैसे भी डिस्टेंस जैसे हमें भी आपको ब्रेक में भी बता रहे थे, इट्स 42.2 किलोमीटर, तो उसकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रक्चर